बस 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 जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसा है कि 1:05 यहीं पे हो गए हैं और 2 मजलिस स्टार्ट होनी है और मैंने अभी हैदर को पिक करना है। हैदर को पिक करके जाना है उसके इमाम बारगाह, वहां से हमने दोनों ज्यारतें, एक हमारा अलम पाक और दूसरा ताबूत लेके गजल की तरफ जाना है, जो कि आज अलम बरामद होगा और कल इंशाल्लाह ताबूत बरामद होगा। खैर कोई मसला नहीं है, शावर ले लिया, रेडी मैं हो चुका हूँ, बस निकल रहा हूँ। हाँ जी बट साहेब, क्या हाल है? सुलह हो गई आपकी? नहीं, कल लड़े ना बड़ा भैड़ा। मम्मा यार क्या कर रहे हो, छोड़ दो। आपकी सुलह हो गई मम्मा जी? हमारी लड़ाई इतनी देर की होती, वो तो अम्मा जैसे मसरूफ थे इसलिए 2 लग गए, वरना हमारी सुलह उसी टाइम हो जाती है। खैर निकल रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके अम्मा जी, अल्लाह हाफिज। आधे घंटे में ज्यारते पिक करके आ रहा हूँ, आप रेडी रहो, मैं आपको आके पिक करता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको लॉक करो। हाँ यार लॉक है। ओके अल्लाह हाफिज। वो कहते हैं कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अभी पिक करते हैं हैदर को, हैदर के घर के बाहर खड़े हैं, फिर जाएंगे हम इमाम बारगाह, वहां से दोनों ज्यारतें, अलम भी और ताबूत पाक भी, दोनों पिकअप में लोड करवा के गजल की तरफ जाना है। बहुत लेट हो गए। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, लेट हो गए बहुत। तो ये क्या? अलम के। अच्छा, अलम का सामान है। गाड़ी चला के मुझे पकड़ा, मैं साइड पे बैठता हूँ। खोली दरवाजा। थैंक यू, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चलो चलाओ आप। ओके अच्छा भाई, पिकअप हो गई हमारी, चाचू जो है वो पिकअप रेडी कर रहे हैं, हम तब तक फटाफट इमाम बारगाह पहुँचते हैं और ताबूत वगैरह रेडी करते हैं निकालने के लिए। चलो जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाय, बड़ी गर्मी है, इमाम बारगाह पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, चेक करो कितना खूबसूरत इमाम बारगाह है। ज्यारतें जो है वो दोनों अंदर पड़ी हुई हैं, जल्दी से करते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। चाचू थोड़ी और पीछे कर लो, करनी है तो थोड़ी और पीछे कर लो। जूती उतार देते हैं। हाँ उठा के लाना है। ये है जी इमाम बारगाह, आज फर्स्ट टाइम आपको ये वाला इमाम बारगाह दिखा रहा हूँ। अंदर से सफाई हो रही थी तो चाचू ने पंखे वगैरह सारे चलाए हुए हैं। हमारी जो ज्यारत है वो वहाँ पड़ी है, दिखाता हूँ आपको वो भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाला झूला हम लेके जाना है और अलम पाक भी अभी दिखाता हूँ आपको। ये बीबी सकीना का ताबूत है छोटा, और ये जो है हैदर, ये शहजादे अली अकबर का ताबूत है। अभी इसका कफन वगैरह सारा कुछ हमारे पास है, वो हम कल की डेट में उसको बनाएंगे सारा। अभी आज वहाँ पर पहुँचाना है, आज अलम बरामद होना है, कल इंशाल्लाह ताबूत बरामद होगा। शुक्र है जी अल्लाह का, लोड हो गया लेकिन थोड़ा सा बाहर रह गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा जो ताबूत है वो पिकअप से थोड़ा सा बड़ा है। चाचू थोड़ा सा बाहर रह गया लेकिन मेरा ख्याल है सेफली पहुँच जाएगा ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ख्याल करेगा। बस अलम लेने गया है, इधर अलम लेके आए। हाँ ये बेहतर हो गया माशाल्लाह, अब हिलेगा नहीं, बेहतरीन हो गया है। चाचू जी मैं निकल रहा हूँ, फिर आप मुझे पहुँच के फ़ोन करो, गेट पे पहुँच के फ़ोन करो। ठीक है, आ जाए आ जाए आ जाए। ओके बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मजलिस वहाँ स्टार्ट हो चुकी है, चाचू ताबूत और अलम लेके यहाँ से निकल चुके हैं। हम आप पिक कर लेते हैं अम्मा को, तो भागते हैं आगे। अम्मा जी, हाँ जी, रेडी हो? जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। ओ देखो ओ देखो ओ देखो ओ देखो, मेरी अम्मा मेरी अम्मा। ओ पकड़ लो यार मम्मा उसको, उसने रहना भला आपके बगैर। पकड़ लो। अच्छा पकड़ लो वहाँ। अच्छा चलो उसी घर छोड़ देते हैं, इसी घर छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, ओए होए होए होए, क्या मिनसा ने चीखे मारी हैं, कान के कीड़े निकाल दिए उसने, लेकिन फिर भी अम्मा उसको घर छोड़ ही आई हैं। मजलिस नहीं सुनने देती रजवली वो। हाँ कल भी बहुत उसने तंग किया था वहाँ पे। खैर पापा के हवाले करके हम उसको निकल चुके हैं। ये ले भाई, थैंक यू। ये जी हमें अलम पाक के लिए चाहिए थे। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। ओके जी, तो हम खैरियत से पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी से सामान निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारा अलम पाक का सामान और ये आ गया हमारे फूल। चलो आ जा भाई फटाफट कर। चल अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया? तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह। भाई ये पकड़े, ये कमरे में रखें पहले, फिर अलम तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? आप सुनाए, हो गई मजलिस स्टार्ट? हाँ जी सर। बस ये अनलोड करते हैं, ये हैदर है, इन्हीं के इमाम बारगाह से लेके आया सारा सामान। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। माँ जी
अच्छा जी मजलिस स्टार्ट हो चुकी है, हम पहुंच गए हैं। ताबूत हमने खैर से रख दिया है रूम में, क्योंकि ताबूत की जो मजलिस है, ताबूत की बरामदगी कल है, आज बरामदगी है अलम की। हैदर तैयार कर रहा है अलम, जैसे ही रेडी होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अलम पाक तैयार हो गया। बस 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला कबूल करे, बहुत प्यारा लग रहा है। लेके जाओगे खुद या मैं लेके आऊँ? हाँ खुद लेके जाओ, लेडीज़ की मजलिस है ना, मौला कबूल करे। ध्यान से ऊपर उठा के रखो, चलो बेहतरीन। मसाइल चल रहा है, बस मेरा बच्चा, बस 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 होश कर, बस 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 बस। हाय मौला, अच्छा जी मजलिस ख़त्म हो गई है, तो मैं तो आज भूल ही गया कि महबूब भाई के पास तो गए ही नहीं, लंगर में क्या है आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रजब भाई, आज आप लेट हो गए। हाँ मैं ऊपर वाला थोड़ा सा मसरूफ हो गया था। क्या लंगर में आज हो गया? क्या लंगर में आज? कीमे वाला पुलाव। कीमे वाला पुलाव, खुशबू तो आपने मजेदार छोड़ी हुई है, माशाल्लाह मौला कबूल करे। चावल नहीं आते महल्ले, जो लम आ रहा सी कि खुशबू बड़ी आती है, चावल नहीं आते साढ़े घर। हाँ जी अम्मा जी मजलिस सही हो गई? निकले यार, टाइम बहुत हो गया है, टाइम काफ़ी हो गया, मैंने भी जिम भी जाना है, तो मेरा ख्याल है अब हम निकले हैं। ओ आ भाई। हाँ काके मजलिस ठीक हो गई? बेहतरीन, अल मुबारक सही आ गया। कल अब इंशाल्लाह मैं टाइम पर आके ना तबूत भी आपको तैयार करवा दूँगा, कल इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है, क्या पढ़ा, कौन सा नोहा पढ़ा आज? बैठ जरा सुना दे थोड़ा सा, है हिम्मत? चल मैंने तो सुना हुआ, लोगों ने तो नहीं सुना जो लोग इतना प्यार करते हैं, थोड़ा सा ही सुना दे चाहे। काला आलम गवाए गाजी तेरी वफादा, परचम तेरा एजाम है, परचम तेरा एजाम है, इस्लाम दी बकादा, काला आलम गवाह है गाजी तेरी वफादा। असगर नू चा सकीना गाजी दे कोले आई, मर जावे ना प्यासा तेरी फौज दा सिपाही, पानी सिवा नी बचदा, पानी सिवा नी बचदा, सरमाया मेरी मां दा, काला आलम गवाह है गाजी तेरी वफादा, काला आलम गवाए गाजी तेरी वफादा। मिल जांदी जे इजाजत गाजी जरी नू जंग दे, मिल रांदे कातिला तो ज़ैनब रिदा न मांगी, टुटदा ना साथ लोगो, बिरादा, काला आलम गवाह है गाजी तेरी वफादा, काला आलम गवाह है गाजी तेरी वफादा। सल्लल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद, मुझे तो खुद भी ये आता है लेकिन मैंने तो सुना हुआ, लेकिन लोगों ने सुनना था तुझे पता, फिर बहुत पुराना मुझे पता है, मुझे पढ़ती थी जब मम्मा थोड़ा सा साथ दे सकती थी। बुढ़ी हो गई है, दोनों बच्चे पढ़ लेते मुझे तस्कीन मिल जाती, बेशक ऐसे ही है यार। वो मेरी बात सुनो, गाड़ी चेंज करो, गाड़ी इंशाल्लाह इंशाल्लाह नवंबर तक। क्यों यार, वो गाड़ी का नंबर आपको पता है, ये वाली का हर किसी के पास है, वो कल आपको पता चला है, कल प्रॉपर्टी डीलर जो है वो कुछ दो लोग वो आ गए थे कल की मजलिस पे। हाँ कल की मजलिस, नीचे गाड़ी खड़ी थी ना आपकी। हाँ। तो वो कहता है मैं पता है ये रजबट साहब की गाड़ी है। अच्छा। तो रजबा इधर ही है,
मैं बाबा से बाहर मैं रोटियां लेने गया हमारे घर। हाँ जी आप रोटियां लेने गए थे तो बाबा ने उनको बता दिया था। अलबत्ता मसला कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि जो लोग प्यार करते हैं सौ बिस्मिल्लाह सर आंखों पे, मगर उनके साथ साथ कुछ नफरत करने वाले लोग भी हैं, लाइक पुलिंग करने वाले लोग भी हैं, बड़ी बड़ी गंदे तरीके से लेते हो। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक खैर का टाइम लाए। गाड़ी का नंबर हाइड करो ताकि आपको पता है हर तरह की चीजें अच्छाई तो है ही है, उसके साथ साथ बुराई भी चलती है। हर चीज बराबर चलनी है जिंदगी में। आपने बात बहुत बड़ी की है, लेग पुलिंग वाली ऐसी चीज हुई हुई है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मेरे पीछे पड़ क्यों गई है। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने किसी से कोलैबोरेशन नहीं की, मैंने कभी किसी को कहा नहीं कि भाई मुझे शाउट आउट दो कि मेरा चैनल बढ़ाओ। आप लोगों ने प्यार दिया, मैं ऊपर आ गया, क्यों इतना मेरे पीछे हाथ पैर मुंह धो के पड़ गए, मेरी समझ से बाहर है। मैं कोई आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, चुप करके बर्दाश्त फिलहाल कर रहा हूँ। सिर्फ इसी वजह से कि ना कोई कोलैबोरेशन ना कुछ और कैसे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे व्यूज यूट्यूब पे भी। और मैं वही कहूंगी हमने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, मेरा क्या कमाल है यार। ये लोग ना देखें, ये लोग नया प्यार करें ठीक है ना, तो मैं क्या हूँ, मैं दो चार पांच छह व्लॉग्स बना के ठुस हो जाता। इन्होंने प्यार किया तो मेरा काम चल रहा है ना। बस थोड़ा सा इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा ख्याल रखो। नहीं मैं करता हूँ, गाड़ी वैसे चेंज कर लेनी है। बाकी आप सब जो प्यार करते हैं उनको लव यू है, लेकिन जो खार रखे बैठे हैं भाइयों, क्या बिगाड़ दिया मैंने तुम्हारा, क्यों मेरे पीछे पड़ गए यार, खुदा का खौफ करो। चले मम्मा जी बहुत लेट हो गए, काके चलिए मेरा बच्चा बाय, मैं कल इंशाल्लाह टाइम पे आ जाऊंगा, तबूत आपको अच्छा सा तैयार करके दूंगा ठीक है। आपने आज ना अलम तो तैयार नहीं किया, पटकों के बगैर अलम नहीं बनता। माँ पटके थे नहीं मेरे उस टाइम, इसलिए तो मैंने वो मैंने इसलिए तो हारों का इंतजाम कर लिया था, हार लगा दिए थे। आ जाए माँ जी, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, मसरूफ थे आज मजलिस में, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। आज 9 मजलिसें हो गई कल लास्ट 10, इंशाल्लाह कल लास्ट मजलिस है, कल ताबूत की है बरामदगी। माशाल्लाह ज़ियारत भी बहुत प्यारी निकली है, आलम की आलम निकला है। कल हमारे पास मौला हुसैन के ताबूत की ज़ियारत है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमसे राजी हो जाए और कुछ मौला कबूल करें आपसे। अब मैं जा रहा हूँ तो मुलाकात होगी, मैं कहा अपनी माँ मिल लूँगा, बिजी थी मेरा पुत्र, जिम का टाइम हो गया, कल इंशाल्लाह टाइम पे आ जाऊंगा, मुलाकात होती कल। आ जाओ मम्मा, कैसे एक ब्लॉगिंग कर रही है, ये देखो ब्लॉगिंग कर रही है, ब्लॉग बना रही है। बहुत अच्छा लगा, क्या बहुत अच्छा लगा भला, मुझे मौला की मजलिस बहुत अच्छी लगी भाई। तुम्हारा व्लॉग जब बनता तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं नजर आता, पागल पागल। चल बाय बाय बाय। लो जी मजलिस हो गई, सेकंड लास्ट मजलिस भी आज खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। अभी घर भाग रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया और मैंने जिम जाना है, काफी लेट हो गया हूँ। अम्मा जी आपकी क्या मसरूफियात है? कुछ नहीं, आपको जिम भेजना है बस। मैंने जिम जाना है और उन्होंने जिम भेजना है। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए हैं भाई। हैदर कट्ठे चलते हैं फिर जिम ठीक है, बस मैं शावर ले लूं, शावर ले लूं फिर निकलते हैं, तू घर चला जी मैं जिम चला जाऊंगा। हाँ जी क्या हाल है भाई, आ गए हो? बड़ा तुसी शेव शुभ करा के आए करो, खैर है? बट साहिब ये क्या कर रहे हो? ये अपने बच्चों की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। क्या ले रहे हो? अगर तेरे बच्चे नहीं हो ना मैं ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपने तो कहा अपने बच्चों की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तेरे बच्चे ते मेरे बच्चे कठे ही हो ना, मैं दादा नहीं बनना। हाँ शेम शेम हो गई है, शेम शेम हो रही है, शेम शेम। अपने घर क्यों नहीं जाती तुम, अपने घर क्यों नहीं जाती है? बड़ा मुश्किल जॉब कराया भाई, पसीना देखो यार। मम्मा कर लेते आके भला, आप क्यों आवे। ओके जी शावर ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए, जिम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं, अब भागना है जिम को। ये आया है तबरुक, ये सारा हमारा है मम्मा जी, नोशीवाला का भी है, इसमें अवैस का भी है और मेरा भी है, रायता तक भेजा मेरी बहन ने, आई लव यू। चलो जी जिम। हाँ जी देखो मेरी फसल के करेले, अपनी शक्ल देखो क्या, अच्छा ये अपनी अपनी क्यारी में लगे हैं, और भी ना करो कसम से और भी। वाह यार माशाल्लाह ये तो सही साइज के मम्मा, ये तो अभी रिसेंटली लगाई है ना क्यारी, ये तो ये पकड़ो ना, ये तो अभी रिसेंटली लगाया ना। और भी करके आओ इधर। हाँ जी हैदर साहब एंजॉयिंग, और आया दिखाओ, शिमला मिर्च कहाँ पे है, अभी शुरू नहीं हुई है। अच्छा ये जो करेले कहाँ लगे वो दिखाओ, ये देखो नजर नहीं आ रही है, अल्लाह पाक ने अच्छी बरकत डाली आपकी क्यारी में है, हालांकि इतनी बारिश हुई है लेकिन स्टिल ग्रेट यार। हाँ भाई चले ओके, मैं मिलता हूँ फिर आपको रात को इंशाल्लाह।
अच्छा जी ये आ गया अब हमारा सामान, खाना मैंने नहीं खाया तो ये मेरा खाना आ गया, ये जिम के बच्चे का खाना आ गया, वो हैदर का लंगर आ गया, और ये आ गया अपना प्री वर्कआउट। अब भागते हैं जिम को, बिस्मिल्लाह। चलो जी ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, शाम को मुलाकात होती है इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। चलो जी व्लॉगर साहब, अब टाइम हो गया है मजदूरी का, अब जाएंगे जिम, रात 12 बजे तक यहाँ मजदूरी करेंगे, फिर जाएंगे रात को घर। आप सब अपना ख्याल रखें, यहाँ व्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ, और मैं आपको फिर याद करवा दूंगी कल इंशाल्लाह ताबूत की बरामदगी है, बशर्ते जिंदगी, अगर जिंदगी रही तो कल फिर व्लॉग बनाएंगे, आप सब लाजमी देखिएगा। और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना ख्याल रखें, होती है मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।